दिस इज द लेसन व्हिच माय फादर गिव टू मी। आई विल इंस्पायर यू टू यूज दिस। नहीं, और ये देखो हमारी दाल कड़ी जा रही है, कड़ी जा रही है, कड़ी जा रही है। अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कमेंट करके बताओ ये क्या चीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका नाम लिखो। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द डे 64 ऑफ डेली व्लॉग। और आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया, मैंने सोच लिया भाई साइकिलिंग सुबह करके आनी है। अराउंड 1 घंटा साइकिलिंग और अराउंड 15 किलोमीटर साइकिलिंग करी थी। सुबह सुबह साइकिलिंग करने का बेस्ट पार्ट होता है मौसम अच्छा होता है, रोड खुली खुली होती है और आप फास्ट चला सकते हो, पर बैंड बज जाता है यार। चलो फ्रेश वगैरह होते हैं ना, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। हैप्पी फ्राइडे। सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं होता ना, तो इसको लग रहा मैंने आज बहुत झंडे गाड़ दिए। माय गॉड, आई गॉट अ मेडल। मौसम देखो आप कितना सुहाना हो रखा है आज तो भाई। मौसम बोल रहा है कि भाई तन में साइकिलिंग करके आया है तो मौसम भी सुहाना कर देते। देखो कितने काले काले बादल आ रखे हैं, आज तो लग रहा है बरसोरे मेगा मेगा हो ही जाएगा। शक्ल पे मत जाइए, स्किन केयर रूटीन सालों में एक बार करता हूँ कभी। आज आप लोगों को दिखाएंगे खाजा, क्योंकि आज हम लोगों का व्रत है, घर में हम लोग बनाते हैं खाजा, एक चीज बनाते हैं। अभी तक जो कल वाला व्लॉग है वो मैंने डाला भी नहीं है, एडिट चालू है। आज मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो आज वाला व्लॉग टाइम से डाल दो या साइकिलिंग कर लो। थोड़ी थोड़ी बारिश तो गिरनी स्टार्ट हुई है, देखो नीचे। नाइस, इतने काले बादल हो रखे हैं तो बारिश तो होगी होगी ना। ऐसे में व्यू एंजॉय करना चाहिए और एसी को बंद करना चाहिए। अरे तुम मेरी छोड़ दो यार, ये बहुत महीने में एक बार करते हैं, घर वाले खुश हो जाते हैं मेरे। वैसे क्या है, वैसे मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती है, स्प्रे पेंटिंग कर दी, कभी काला रंग लगा दिया, कभी हरा रंग लगा दिया, कभी ग्रे रंग लगा दिया, क्या फेस पैक, क्या फेस वॉश, क्या फेस स्क्रब। छोड़ो मेरी बारिश, देखो बारिश। ओ बारिश और तेज होगी भाई साहब। क्या जबरदस्त बारिश हो रही है। सुबह का नाश्ता एक केला। सारे घर वालों का आज व्रत है तो मखाने बन रहे हैं। वो आपको जो बता रहा था ना, वो खाजा बनाते हैं हम लोग, खाजा खाजा वो हम लोग घर में इसको बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स कट होते हैं, वैसे तो मम्मी कढ़ाई में बनाती है, मैंने बोला मम्मा एयर फ्राई की है तो अब यूज तो कर ही लेते हैं ना इसको। मेरे को भी आती नहीं है रेसिपी रेसिपी, इसको बना रहा था मखाने जब डाल रहा था ना, पॉपकॉर्न ऐसे उड़ रहा था क्योंकि इसमें ना नीचे एक अंदर मोटर होती है, वो इसके अनबॉक्सिंग वाले ब्लॉग में दिखाते ना, ये ऐसे ऊपर हवा फेंकते ना तो ये ऐसे ऊपर हो गए थे, मतलब समझा नहीं पा रहा आपको, इतने क्रिस्पी हो गए ना। और अभी तो सिर्फ मैंने इसको 4 मिनट करा 200 डिग्री पे, और करते तो और हो जाते। अब ये काजू बादाम वॉलनट्स को रोस्ट करके मखाने के साथ, और वो गरम गरम मखाने के अंदर एक किशमिश डाल देंगे, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और एकदम फलाहारी खाजा हमारा तैयार हो जाएगा। बेसिकली ये ड्राई फ्रूट्स का रहता है। मखाने तो एकदम मस्त हो गए थे, फाइनल मैंने एक चम्मच घी का डाला और नीचे के नट्स देखे। ये मखाने ना किसी को दिखने नहीं देते, ये देखो नीचे के नट्स देखो कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। ये आवाज आ रही है ना कड़कड़ मखानों की, मखाने बड़े शैतान है। एयर फ्राइड है जी ये, एकदम हेल्दी का हेल्दी, टेस्टी का टेस्टी। अंडे से सावन खत्म हो जाएगा? सावन हमारे में राखी से खत्म हो जाता है। अच्छा, और वैसे टेक्निकली सावन 17 को संक्रांत से वैसे हो गया। हाँ। लेकिन दो तरीके से मांगते हैं ना, कोई लोग पूर्णमासी मांगते हैं, कोई लोग अमावस से मांगते हैं। तो पूर्णमासी से जो मांगते हैं उनका संडे को राखी वाले दिन सावन खत्म हो जाए। आज सबका पूरी फैमिली का प्रदोष का व्रत है, प्रदोष शिव जी का व्रत होता है, चालीसा में भी आता है शिव जी का चालीसा में, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रही कलेशा। तो वो जो आता है ना वो त्रयोदशी, आज 13th डे ऑफ द मून साइकिल। ये मैंने बोला ये हम लोगों का रोस्टेड खाजा, हम लोग आज एयर फ्राइड तरीके से बनाया, एयर फ्राइड हम इसको खाजा बोलते हैं, खाजा बोलते हैं हम लोग घर में खाते हैं इसको। ये व्रत में एनर्जी देने के लिए, कि जैसे सावन में आप लोग इतने व्रत भी रखते हो तो बॉडी एनर्जी रहनी चाहिए। व्रत भी कई लोग पूरा सावन व्रत रखते हैं। हाँ। जैसे आपकी इच्छा हो, कैपेसिटी आपकी, कैपेसिटी जितने प्रभु ने रखाने, तो जैसे जिसके घर का रिचुअल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है श्रद्धा से भगवान का नाम लेना, रिचुअल्स आर सेकेंडरी, प्राइमरी थिंग इज रिमेम्बर गॉड एंड थैंक हिम फॉर द लाइफ ही हैज गिवन टू यू। घूमने चले, क्या कह रहे थे? बारिश में फोन भीगे तो फोन पे चाप लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बारिश का क्या फर्क पड़ेगा फोन को। मौसम अच्छा हो रखा है, अच्छा, बड़े हाँ। दिनों बाद बारिश हुई है, आओ थोड़ा घूम के आते हैं, सैर वैर करके आते हैं। पार्किंग सही है, सड़क का बुरा हाल, सड़क का तो बहुत ही बुरा हाल है। ये अच्छी है, ग्रीनरी, ये पता है रोहिणी का, दिल्ली के टॉप 10 प्लेसेस में आता है एडवेंचर एक्टिविटीज में, एडवेंचर आइलैंड, बट हम रोहिणी वालों को ही पता ही है। पहले होता था, एक जमाने में होता भी था ये, बहुत स्कूल पिकनिक भी आ रखे हैं शायद स्कूल में। तुम लोग कितनी बार आ रखे हो यहाँ पे? हाँ, पर अब जो हो गया ना, अब यहाँ पे ना कुछ मॉल्स ऐसे होते हैं ना, अब यहाँ पे फ्ली मार्केट लग गई है। हाँ। मॉल की दुकानें जो इतना रेंट वेंट जाता है उनका, पूरा वो बनता है, पूरा अच्छा ही है सब,
सड़क का थोड़ा सा ये गड्ढे जो सेट कर रहे हैं एकदम बढ़िया, पर इसके कंपटीशन भी आ गए ना, यहाँ से 500 मीटर दूरी वो जो यूनिटी वन दिखाया था ना वो परसों वाले ब्लॉग में, वो उसका कंपटीशन आ गया। तो दैट इज ये, लेकिन आई लाइक दिस कंसेप्ट, स्पोर्ट्स वाली जगह है ना, लिफ्ट ही बंद कर दी। I will inspire you to use this. नहीं, आप अपने आप करो। I will entice you to use. Please, मैं अपना करूँगा, आप अपना करो। I will motivate. I will motivate you. ठीक है नहीं? Very good. हो गए। ये I can play easily. ठीक है। ले लिया आपने dumbbells? दिखाओ मैंने क्या लिया? Skipping वाली rope. आपने करी है ये? Which you will skip? Which I will skip. एक 100 रुपए की मिल रही थी, एक 500 रुपए की। यार एकदम मजेदार जोक ऑन द पॉइंट। तभी आप लोग देख रहे हैं कहां से गंदे जोक्स आ रहे हैं मेरे पास। स्किपिंग व्हिच यू विल स्किप, अभी मेरे को स्किपिंग आती नहीं है तो मैंने सोचा चलो ले लेता हूं, देखता हूं कैसे करूंगा, अगर पसंद आई तो फिर 500 वाली ले लूंगा, जब आती ही नहीं है तो महंगी वाली लेके क्या करेंगे। यस, ये बात मेरा अग्री अग्री, पैसे बचाओ। अग्री पूछ रहा था ना कौन सी लेन में है, ये देख मैंने बोला ना एग्जिट 1 लेन में, इसी में है ना, और इधर नो हमारी, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने अंदर घुसने से पहले देख लिया था कौन सी लेन में घुस रहे हैं, तो मैं वहाँ से घूम के आ जाता। दिस इज द लेसन विच माई फादर गेव टू मी। हाँ तो आपके फादर ने आपको दिया, आप मेरे फादर, आप मुझको लेसन दे रहे हो। सर्कल ऑफ लाइफ, जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन पे गया था ना ट्रेन जर्नी पे, हाँ। तो दादू ने बोला था बेटा जब भी स्टेशन से उतरेगा ना बीच में मिडवे स्टेशन पे गाड़ी चढ़ते सी अपनी बोगी नंबर देख लेना कौन सा कोच है तुम्हारा, ठीक है, और जब बस में जा रहे हो तो बस में मिड में पे बस रुकती है उतरने पहले से नंबर देख लेना, नहीं तो कई बार लोग होता है सारी बसें एक जैसी होती हैं मिड में पे जब भागती है उनको लगता है मेरी बस भाग रही है, गलत बस में चढ़ जाते हैं और सामान गया फिर। हाँ, तो दिस इज द लेसन व्हिच आई गॉट इन माय फर्स्ट जर्नी एंड आई रिमेंबर टिल डेट व्हिच आई पास्ड ऑन टू यू आल्सो। ओके, और उसका आज प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिया। वेरी गुड। इसमें और उसमें ना पांच वो उसी का फर्क था शायद, इसके उसका ना, किसका ये जो इसके पतले मोटे का फर्क है ना, थोड़ी ग्रिपिंग अच्छे से हो जाए। ये कह रहा था कि अगर करनी है उसमें ना ग्रिप अच्छी आ जाती है बस, और कुछ नहीं। वो 500 रुपए का था, ये 100 रुपए का है, करके तो देखे पहले। अगर ये आ गया मेरे को तो ये 600 रुपए का पड़ जाएगा वो, पर अगर नहीं आया तो वो 500 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं संक कॉस्ट, उसका बेनिफिट होता है या लॉस होता है वो बात की बात है, पर पैसे तो संक हो गए ना। अच्छा, संक कॉस्ट बोला था, हाँ डूब गए। तो मतलब आपने डंबल खरीदे उसको यूज करना, उससे फायदा लेना नुकसान लेना अलग बात है, पर आपके 1300 रुपए संक कॉस्ट हो गए। प्रोफेसर तन्मय, संक कॉस्ट, इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसके बाद फिर पोएट्री वगैरह करी है। मैंने तेरे को दादू की बात, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं ऐसा कर रहा। बॉल के साथ पूरी बैटिंग करा के पापा ने मुझे एक लर्निंग दी, तो मैं भी एक लर्निंग सिखाऊं। बिल्कुल भी नहीं, कहीं तेरे दिमाग में ऐसे ख्याल तो नहीं आया? मैं तो संक कॉस्ट का कांसेप्ट, मैं तो संक कॉस्ट का कांसेप्ट तभी सोच चुका था जब मैं खरीद रहा था, क्योंकि अगर ये आया है ना तो मन से निकाल दे। ओहो, क्योंकि मैं और भी एस मार दूंगा। चलो गर्मी बहुत हो रखी है, एसी चलाएं, गाड़ी वाड़ी चलाएं। शाम का टाइम हो गया और सैलेड्स में हम लोग ये खा रहे हैं। क्या लगता है सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है? 1, 2, 3 बताओ बताओ भाई। इसके अंदर बनाना है, शरदा है, पियर नहीं, पियर है, पियर है, और चौथी जो चीज है वो आपको नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि आपने कमेंट्स में बताना है ना वो क्या चीज है। जैसे पता ही नहीं चलेगा लोगों को, क्या पता किसी को पता ना। ओ, क्या बात है, कितनी बड़ी बात सोची तूने मेरे को। कौन है पिक्कू, मुझे नहीं पता, बार बार पिक्कू बोलता रहता हूँ। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो ब्लॉग देखते रहे उनको पता चल जाएगा। सड़कों पे मिलना शुरू कर देते हैं लोग, बोल देते हैं पिक्कू बाजी, कोई अच्छा लगता है सड़कों पे लोग पिक्कू बाजी बोले? What is bothering you? यार मेरा तो नाम भी पिक्कू नहीं है, मेरा तो नाम तन्मय है, कि वो खोसला का घोसला में जैसे उसका चिरौंजी लाल नाम था, मेरा तो चिरौंजी लाल घोसला नाम भी नहीं है, मेरा तो तन्मय ना। कहीं बता दो ना। नहीं छोड़ो यार, कैमरा बंद कर दो यार। ये लो जी, आज हम लोगों ने बनाई है नो अनियन नो गार्लिक वाली दाल मखनी, मतलब अभी बनाई का है, बन रही है अभी, प्रोसेस इन प्रोसेस है। ये तड़का लगा के दाल में डाल के अभी इसमें दूध वगैरह डाल के इसको चला रहा है। घर की हेल्दी वाली दाल मखनी, अब ये इसको हम लोग काटते रहेंगे। यहाँ पे बन रहा है जी सूजी का हलवा, और ये दाल मखनी के लिए लच्छे अदरक के बना के ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं। दाल मखनी की लुक देखो कितनी प्यारी आ रही है। दाल मखनी वैसी है कि इसके अंदर मक्खन है, क्रीम नहीं है, प्योर दूध है। आपके सामने चला था दाल मखनी के पहले लुक और आफ्टर लुक, कितना प्यारा तड़का लगा इसका।
अब इसके साथ बनानी है तंदूरी रोटी, जो मुझे नहीं आती, मतलब आती है, मैंने दो तीन बार बनाई है पर वो इतनी खास बनी नहीं। आज वो टेस्ट होगा, रोटी बनाने का मेरा टेस्ट है। सब्जी सुब्जी मैं बना लेता हूँ, डेजर्ट डुजर्ट भी बना ही लेता हूँ। तो भाई ध्यान रखना होता है, अगर आप रवा को हाई गैस पे कर रहे हो ना तो ध्यान रखो कि उसके साथ में ही रहो, और अगर आपको कुछ कुछ काम है जैसे मेरे को अभी रोटी का आटा लगाना है और ये सब करना है तो गैस को स्लो कर दो, वरना ये जितनी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वो वाली चीज़ होती है इसके साथ में। लो जी, भोग का सूजी का हलवा अच्छे से भुन चुका है, चीनी पड़ चुकी है, घी पड़ चुका है, अब एक बार सब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें बस डाल देंगे हम लोग पानी और एयर फ्रायर में नट्स हम लोग रोस्ट कर लेंगे और हमारा सूजी का हलवा एकदम बढ़िया भुना है, नया क्या होता है, बढ़िया सुनहरा भुना हुआ तैयार हो जाएगा। भाई एकदम शानदार सूजी का हलवा बन के रेडी हो चुका है, प्यारा शानदार, कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो हमारी दाल कड़ी जा रही है, कड़ी जा रही है, कड़ी जा रही है। ओ भाई साहब, आज तो द मेन्यू इज ग्रेट जी, छेती छेती आ जाओ। पहली तंदूरी रोटी फर्स्ट क्लास बन गई एकदम बढ़िया, अगली वाली दिखाता हूँ कैसे बनाई थी। स्टेप नंबर वन, नॉर्मल रोटी को गोल गोल गूंदो और उसको जब इधर लगाओगे ना तो हल्का पानी का हाथ छिट्टा मारो और उसके बाद तवे को पुट्ठा करो और गैस हाई पे कर करके इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहो जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए। इसको नीचे जो ये पानी से चिपकाते हो ना इसको बस निकाल लो और इसको यहाँ से बस इतना सा पका लो और आपकी रोटी तंदूरी वाली बन के रेडी है। मक्खन जरूर पा देना, बढ़िया सी तंदूरी रोटी, गाड़ी गाड़ी दाल। हाउ डू यू लाइक योर फूड? मेड बाय माय लिटिल सन तन्मय शर्मा। पिक्कू तन्मय, पिक्कू तन्मय, पिक्कू छोड़ो यार, बड़ी मेहनत लगती है यार किचन में यार। और हमारा खाना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ओ माय गॉड, खाना बहुत बढ़िया था, भोग लगा रवा हलवा का वो भी बहुत बढ़िया था। उसके बाद मैं ऐसी गहरी नींद में सोया और सुबह उठा, अभी मैं उठा भी लेट हूँ, अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक भी व्लॉग अभी अपलोड नहीं हुआ जो 10 बजे डल जाता है। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मौसम की गलती है। शाम के नहीं, रात में बारिश शुरू हो गई थी 2 बजे से, उसके बाद फिर मैं सो गया, फिर मेरी 7 बजे जाग खुली और 8 बजे तो बहुत भयानक बादल फटा था और 7 बजे से 8:45 तक तो मैं सो ही नहीं पाया। उसके बाद फिर मतलब होती है ना नींद जो बची हुई होती है वो पूरी करनी होती है, तो वो 8:45 से 10:30 तक वो नींद पूरी करी मैंने और फिर उसके बाद उठ के एडिट कर रहा हूँ अब लगा हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी कहानी आपको सैटरडे को बताएंगे, मतलब एक दिन आगे चलता है ना तो सैटरडे का व्लॉग संडे को आता है, ऐसे ऐसे डेली व्लॉग चल रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।